देखो अरविंद, अपनी बीवी का पासपोर्ट उसे वापस दे दो। 4 घंटों में उसकी फ्लाइट है, तुम जानते हो ना वो कितने अर्जेंट काम से जा रही है। मैडम सर, उसके काम के चक्कर में मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। ये बाहर जाके इसका काम करती है और बच्चे मेरा काम तमाम कर देते हैं। गजब आदमी हो यार तुम, गजब आदमी हो। अरे बच्चा तो भगवान का रूप होता है सब यार। आपके घर में भगवान है? का? बच्चे हैं क्या? मर्दे अभी हम कुंवारे हैं, शादी का उम्र हो गया है, 32 का कमर हो गया है। अब तो बस इतना ही ख्याल है कि इसी कमर को पकड़ कर हमारे बाइक के पीछे कोई बैठे और जब बाइक को हम रुक पे सही से तेज चलाए ना तो हमारे कमर को भींच कर बोले कि चीता चतुर्वेदी हॉले, धीरे धीरे चलाओ, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। चीता चतुर्वेदी? सॉरी मैडम सर। अरविंद, अपनी बीवी का पासपोर्ट उसे वापस दोगे या नहीं? नहीं, हम पासपोर्ट नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। सॉरी मैडम। ठीक है, तुम हमें पासपोर्ट वापस नहीं दोगे लेकिन करिश्मा सिंह को तो जरूर दोगे। मैडम, उनको तो हम बधाई देंगे। हम जानते हैं इनका ट्रांसफर कुछ दिनों के लिए जानकीपुरम थाने में हो गया है। तुम्हें गलतफहमी हो गई, जरा पीछे मुड़कर देखो। अम्मा, तुमको जितना कहा जा रहा है ना उतना कर लो, वरना अगर हम करवाने पर आ गए ना तो मुँह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। अरे बाप रे, ये तो बहुत मारेगी। मैडम गलती हो गई, माफ कर दीजिए मैडम जी। ये रख लीजिए पासपोर्ट, मैं चला चला। शाबाश, इतना तेज तो कभी घर के किसी काम के लिए नहीं भागे जितना तेज करिश्मा जी के डर से भागे हैं। थैंक यू हसीना मैडम, थैंक यू। यू वेलकम। जी। देखा मैडम सर, मेरा आइडिया काम कर गया। क्या? कुछ भी नहीं संतु जी, लेकिन करिश्मा मैडम का ये वाला डायलॉग आपके फोन में कब रिकॉर्ड कर दी? मुझे करिश्मा मैडम के डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो एक बार वो एक मुजरिम को डांट रही थी तब मैंने रिकॉर्ड कर लिया। वैसे एक बात तो है, करिश्मा सिंह की सिर्फ एक आवाज ही काफी है मुजरिमों को डराने के लिए। कुछ कुछ केसेस हैं जो वही सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो कई बार गुस्से में कुछ ज्यादा ही बह जाती है, बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, तो उस वक्त उन्हें उन्हीं से बचाना पड़ता है। लेकिन मिस तो बहुत करते हैं उन्हें। एक पैर पर बगुला बना के खड़ा कर दिया है, सब लोग हम पर हंस रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि थाने में आए हैं या मेले में। एक मिनट रुकिए, आप जरिए यही साइड में रुक जाइए, हम आते हैं 2 मिनट में। जाइए। अरे पुष्पा जी, आइए आइए। ये क्या हाल बनाया हुआ है आपका? कुछ मत पूछिए पुष्पा जी। ठीक है, नहीं पूछते। पुष्पा जी थोड़ा बहुत तो पूछ लेना चाहिए ना। देखिए पुष्पा जी, हमको पता है आप दिल से बहुत अच्छी हैं, बहुत कोमल है दिल आपका। अब बाहर से चाहे जैसी भी, नहीं हमारा मतलब है बाहर से भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। पुष्पा जी, हम कह रहे थे हमारा एक काम कर दीजिए ना। हाँ हाँ, आप बस बोल के तो देखिए, हम यूँ मना कर देंगे। देखिए पुष्पा जी, पुलिस का काम होता है जनता की मदद करना, तो कर लीजिए खुद की मदद। पुष्पा जी देखिए, करिश्मा मैडम आपकी बहू है ना, आज्ञाकारी बहू है, आपका कहना कभी नहीं टालती, हमको पता है पुष्पा जी। उनसे कहकर हमारा सजा माफ करा दीजिए ना। फूल कौन है? तेरी माशा है, फूल कांटे खेल के हो गया हो तो काम कर ले। ये हमारा नहीं है मैडम, लगता है किसी मजनू ने अपनी लैला के लिए लिखा होगा। और देखिए लाल गुलाब भी फेंक कर गया है। उसने फेंका, तुमने उठा लिया, तुम अपना दिमाग दरिया में भाकर आए हो क्या? अब क्या ये खत पढ़ के इस पे किताब छापने का इरादा है आपका? किताब तो नहीं छापना है मैडम, हाँ लेकिन इसमें ना 2 लाइन लिखी है बड़ी प्यारी, आप कहें तो सुना दें आपको।
तुमने ठान ही लिया है कि तुम हमारा वक्त बर्बाद करोगे तो फिर कर लो अच्छे से। खड़े रहिए। अरे पुष्पा जी खड़े रहिए पैर पे। पुष्पा जी सुनिए तो। पुष्पा ठीक है पुष्पा जी, हम भी देखते हैं कब तक आप ऐसे कर सकती हैं, कब तक करिश्मा मैडम इस थाने में टिकती हैं। अब तो आप उनके जल्द से जल्द विदाई समारोह में भाग लेने की तैयारी कर लीजिए। अर्ज किया है, तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी गुजारने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता और एक मुझे नहीं आता। कैसा लगा मैडम बताइए। जानकीपुरम के मजनुओं के लिए ना हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, उनसे हम बाद में निपटेंगे। अरे पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। यहाँ आप कैसे आना हुआ? हाँ आज भी आप हमारा टिफिन लेकर आई, इसलिए आपका टिफिन लेकर आए हम। ये लीजिए। और ये क्या चल रहा है रोज रोज आपका? हाँ खुद का टिफिन देख के नहीं ला सकती आप? कोई बात नहीं पुष्पा जी, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। खुदाई चल रहा है यहाँ पे? जी नहीं। तो खड़े होके क्या देख रहे हैं? बाहर जाके देखिए चंपा के एक टांग पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है। हम टिफिन लाते हैं पुष्पा जी। आते हैं। अरे 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 ये क्या हो गया? हाँ ये जो भगवान ने नजर दी है ना, वो सिर्फ किसी पे गड़ाने के लिए नहीं दी है, उसका सही इस्तेमाल भी किया करो, वरना ऐसे ही बार बार अपने मुंह के बल गिरते रहोगे। समझ गए ना? पता नहीं हो। ओहो देखो पूरी वर्दी गंदी हो गई। क्या है ना पुलिस की नियत और पुलिस की वर्दी। हम कर लेंगे गंदी नहीं होनी चाहिए। हम कर लेंगे। चेहरा चेहरे पर भी धूल जम गई है, अब इसे भी हमें साफ करना पड़ेगा है ना। पुष्पा जी क्या क्या कर रहे हैं आप? हम कर लेंगे ना खुद ही। पुष्पा जी हाँ आपका टिफिन। हाँ ठीक है। तो हम जाएं? नहीं बैठिए चाय पी के जाइए। वैसे मन तो है हमारा चाय पीने का, मगर कौन ला के देगा? यहाँ आप ही को सारा काम करना पड़ता है ना, आप ही को जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए, फिर आप ही लेकर आएंगे। रहने दीजिए। नहीं नहीं हमें। सिंह जी आराम से। पुष्पा जी हमें ना जरा फ्रेश होना है, महिलाओं के लिए शौचालय वही है ना, अंदर जाके बाहर। हाँ सबका एक ही है पुष्पा जी। क्या? हाँ सबके लिए एक ही शौचालय? ओहो वहाँ हमारे महिला पुलिस थाने में देखिए, मतलब याद है ना आपको महिलाओं के लिए कितना साफ सुथरा एकदम चमचमाता हुआ शौचालय हुआ करता है। जब इतना ही चौकस चल रहा है ना आपका महिला पुलिस थाना, तो फिर यहाँ क्या लेने आई है आप? लेने कहाँ, हम तो आपका टिफिन देने आए थे। दे दिया, आप जाइए अपना थाना और हम अपने थाने में काम करेंगे। आप सिर्फ अपना थाना ही संभाल लीजिए, अपने सास के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि वहां हमारी सास अकेली है, कौन संभालेगा उसे। बस 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 अपने ही बारे में सोचिए। देख लिया आपने शिव जी? हनुमान जी। अरे हाँ हनुमान जी हैं। देख रहे हैं आप हनुमान जी, हमारी बहू रानी को कुछ पड़ी नहीं हमारी, हम जा रहे हैं। हाँ? जाइए जाइए जाइए, समय पे खाना खा लीजिए। जी आप भी। इस कंप्यूटर के साथ ज्यादा दिन एक थाने में हमारी बहू रानी का रहना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। मैडम अरे मैडम क्या हो गया? मैडम क्या हुआ? मैडम क्या हुआ? हमारा घंटा पड़ेगा। आपकी बाइक चोरी हो गई है। का? जी मैडम आपकी बाइक चोरी हो गई, दिन दहाड़े वो भी थाने के बाहर से।
मैडम आपकी बाइक तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सिंग। कहाँ थे आप? अरे मैडम कहाँ जाएंगे, एक टांग तो आपने हवा में रखवा दिया था, शौचालय तो जा नहीं सकते थे, और कहाँ जाएंगे हम बताइए। अम्मा हमारा बाइक तुम्हारी आँख के सामने से चोरी हो गया और तुम उंधिया रहे थे। हाँ है? हाँ अरे मैडम एक टांग पे खड़े थे हवा में, इतनी गर्मी में इतना थक गए थे कि कब हम सो गए एक टांग पे हमको भी नहीं पता चला। इनके गले में स्लेट डालो। क्या? हाँ पहले पूरा बात तो सुन लो। इनके गले में स्लेट डालो और लिखो जब जब ये ड्यूटी पर होंगे और इनको पनिशमेंट मिला होगा तो ये सोएंगे नहीं, एक टांग पे जाके खड़े हो जाइए। एक मिनट मैडम, बाहर मत खड़ा कराइए, खड़े खड़े धूप में सेल्फी दे दे के थक चुके। आप कहिए तो हम यहीं कहीं खड़े हो जाते, हम स्लेट भी खुद से लिख लेंगे मैडम, हम यहीं हो जाते। जाइए आप जाइए। हेड कांस्टेबल राजवीर जी, शहर में जितना भी चोर चक्के मवाली घूम रहे हैं सबको जाके दबोचो, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दो, और जो तुमसे दो चार पांच करे ना उसकी लंका लगा देना वहीं के वहीं, समझ गए? बात तो एकदम सही है मैडम, लेकिन एक बाइक के लिए इतना बवाल खड़ा करना सही होगा? क्या हूँ, करिश्मा सिंह का बाइक चोरी हुआ है, उन्होंने सिर्फ हमारे बाइक पे डाका नहीं डाला, हमारी जान पे डाका डाला है, हमारी शान पे डाका डाला है उन्होंने। जहाँ कहीं भी ये बाइक चोर हमको मिल जाएगा ना, ऐसा रॉकेट बनाएंगे कि जमीन पे दिखाई नहीं देगा वो। एक बात कान खोल के सब सुन लो, यहाँ पे हमारा बाइक चोरी हुआ है ये बात थाने से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना मैया कसम सबको हवालात के अंदर ले जाके ऐसा कुटाई करेंगे ना कि सबका सिर्फ चीख बाहर आएगा। नहीं चाहते हम ये बात किसी को पता चले, नहीं तो लोग कहेंगे बड़ा फन्ने खान बन के घूमती है, अपना बाइक नहीं बचा पाई, हमको क्या बचाएगी, समझ रहे सब बात को? जितने भी चोरों के 30 मार का घूम रहे उनको हमारे सामने लेकर आइए, जिसने भी हमारा बाइक चुराया ना मैया कसम उसका साइलेंसर उखाड़ देंगे हम। पता ना, बैठी बैठी आइए, बैठी बैठी बैठी, अच्छा ठीक है, हम रख बैठी बैठी बैठी। कहाँ हो गया? हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैडम सर को बुलाओ। ये हालत खराब है तो मैडम सर बेचारे क्या करेंगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा ना पुष्पा जी। मैडम सर को बुलाओ, हमें मैडम सर के साथ बात करनी है। पुष्पा जी, मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद, बैठे रहिए। क्या हुआ? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए मैडम सर। शांति 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 पुष्पा जी, सांस लीजिए आराम से। शांति से बताइए आपको अचानक से क्या हो गया? अब क्या बताया हम आपको मैडम सर? वही बताइए ना पुष्पा जी जो मैडम से पूछ रही है। हाँ, वही तो बता रहे हैं ना हम। मैडम सर आपको पता, हम देखिए हम सीधा अस्पताल से आ रहे, हमारा दिल जो है ना, दिल बहुत घबरा रहा है ना, हमें चैन पड़ रहा है ना, हमें नींद आ रही है मैडम सर। पुष्पा जी स्वाद और सुगंध तो आ रहा है ना? हैं? हाँ सुगंध आ रहा है, सुगंध आ रहा है। पर कल तक तो आप ठीक थी, अचानक से रात भर में आपको कौन सी बीमारी लग गई? हमको सदमा लगा है मैडम सर। सदमा? किस चीज का सदमा? करिश्मा सिंह का। अब पुष्पा जी आप प्लीज रोना बंद करिए, इसमें सदमा लगने की क्या बात है पुष्पा जी? मैडम सर डॉक्टर कह रहे थे कि करिश्मा जी के दूसरे थाने जाने का हमारे दिल को बहुत गहरा सदमा लगा है, और ये सदमा तभी ठीक हो सकता है जब वो वापस यहाँ आएंगे। मामला तो बहुत संगीन लग रहा है, पता लगाना पड़ेगा। पुष्पा जी जरा अपना हाथ दिखाएंगी प्लीज? क्यों क्यों मैडम सर, आप हमारा भविष्य देखना चाहती हैं? नहीं वर्तमान, हाथ दीजिए। लेफ्ट हैंड पुष्पा जी। ओ, क्या हो गया ये आपके साथ? जैसा कि हमें शक था बिल्कुल वही बात है। कुछ नहीं हो आपको पुष्पा जी, आप सब सिर्फ नाटक कर रही हैं। नकली पुष्पा जी, पुलिसों के फ्रॉड। हाँ बिल्कुल मैडम सर,
मैडम सर आप जरा यहाँ आएंगे हाँ देखिए हम ना मैडम सर हम नाटक नहीं कर रहे थे हमें चिंता हो रही है करिश्मा मैडम की हाँ उनका जो थाना है ना उस थाने में सिर्फ पुरुष ही पुरुष है हाँ परेशान हो गई वो उन सब से पुष्पा जी आपको गलत फहमी हो रही है कोई गलत फहमी नहीं है मैडम सर करिश्मा जी इतनी परेशान हो गई है ना कि उन्होंने कांस्टेबल को सजा के तौर पे थाने के बाहर ड्रम पे खड़ा किया था हाँ क्या वो कितनी जिद्दी है आप जानती हैं वो जिद पकड़ कर बैठी है कि वो थाना अपने तरीके से ही चलाएंगी अब इसी जिद की वजह से ना वो अपनी सारी परेशानियां हमसे छुपाने लगेंगी और इसी जिद की वजह से घर पर भी वो आजकल इतनी चिड़चिड़ी हो गई है ना कि सारा गुस्सा हमारे बेचारे गरीब लल्ला पे उतारती मैडम सर हम आपसे निजी दरख्वास्त करते हैं कुछ भी करके आप करिश्मा जी को यहाँ वापस बुला लीजिए अरे हो गया तुम दोनों का पुष्पा जी देखिए हमारी बात सुनिए हम पुलिस में हैं पुलिस में होने के नाते कुछ कायदे कानून होते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत करिश्मा सिंह को वहां ट्रांसफर किया गया है अब हम उन प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना देखिए कुछ ही दिनों की बात है करिश्मा सिंह हैंडल कर लेंगी वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर है वो ठीक है रिलैक्स कुछ दिनों में वो वापस आ जाएंगे लास्ट बार पूछ रहे हमारा बाइक किसने चुराया बता दो भाई नहीं बताएंगे ठीक है अब आपकी बाल्टियों में पानी भरा जाएगा जैसे जैसे पानी भरेगा बाल्टी होगी भारी जैसे ही बाल्टी भारी होगी तुम सबके दांतों को लेकर जमीन पर आएगी जवानी में पोपले बने बिना दांत के घूमना फिर अरे बता दो भाई बहुत पछताओगे बाद में नहीं बताएंगे सिंह जी पानी डालिए आने दो दांतों पे बचा अरे क्या हूं कर रहे हो बता दो ना जल्दी से अम्मा बता दो सिंह जी रहने दीजिए छोड़ दीजिए इन सबको इन्हें कुछ नहीं पता है एक साथ सबको छोड़ दे मैडम हां जी सब लोगों को छोड़ दीजिए रुकी रुकी अंदर जाइए इतना ठीक है पीछे और भी लोग हैं उन्हें भी दे दे कोई भी खबर हो हमें सूचना देना हम तुरंत पहुंच जाएंगे क्योंकि हम आसपास ही हैं करिश्मा सिंह मैडम सर जय हिंद मैडम सर जय हिंद आप यहाँ क्या कर रही हैं आप यहाँ क्या कर मैडम सर हम आपके पास ही आ रहे थे वो हमें पता चला आपने जरूरतमंदों के लिए खाना रखवाया है तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा श्रम दान कर लें अच्छा जी बहुत अच्छी बात है वैसे भी आपके साथ की जरूरत तो हमेशा ही रहती है और जब सब साथ होते हैं तो टीम की ताकत बढ़ जाती है ताकत की आपको क्या जरूरत है मैडम सर आप तो जज्बात से ही काम चला लेती हैं वैसे ये लोगों की सेवा करके आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैडम सर हम तो अच्छा काम कर ही रहे हैं करिश्मा सिंह लेकिन सबसे अच्छा काम तो आपने किया है क्या है ये सजा है मैडम सर अनुशासन का पालन ना करने की सजा ड्यूटी पर सोने की सजा थाने को अपना घर समझने की सजा अच्छा मैडम जी पानी ले आओ हाँ हाँ जाइए हम ये दे दें
करिश्मा सिंह, आप भी तो कभी रूल्स फॉलो नहीं करती, हम तो आपको ड्रम पर नहीं चढ़ा देते। मैडम सर, आप हमारी तुलना उस कॉन्स्टेबल से कर रहे हैं जिसे अपने काम का सूत तक नहीं पता है। हम जानते हैं हमारा तरीका अलग है, हम थोड़े सख्त हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं ना मैडम सर, ईमानदारी के साथ करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बात ईमान डाल दीजिए ना। बिनो जी वहाँ रखिए। मैडम सर हम देते हैं। करिश्मा सिंह आप हमारी बात समझिए, अब आप एक थाना इंचार्ज हैं, पूरे थाने की जिम्मेदारी आप पर है, और थाना किसी एक के भौकाल से कभी नहीं चलता, उसे लगता है टीम एफर्ट। मैडम सर हम चाहते हैं कि हमारा टीम हमारे एकदम साथ चले, पर वही हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, तो फिर हमें अपनाना पड़ता है ये रास्ता। आइए हमारे साथ। करिश्मा सिंह तजुर्बा कहता है हमारा कि लोग उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े होते हैं जो छांव देता है, और छांव देने के लिए एक पेड़ को अपनी टहनियां और अपनी शाखाएं झुकानी पड़ती है, फैलानी पड़ती है। आई होप आप हमारी बात समझ रही होंगी, क्योंकि एज ए सीनियर हम आपको बस यही सलाह दे सकते हैं। सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सर, पर हमारा काम छांव देना नहीं, कानून की हिफाजत करना है। करिश्मा सिंह हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, और पुलिस का काम लोगों को डराना धमकाना नहीं, लोगों में अमन और चैन बनाए। एक मिनट मैडम सर, मैडम सर कॉल। हेलो, हाँ हाँ पहुँच रहे, 15 मिनट में पहुँच रहे। ठीक है, वो न्यूज़ वालों का कॉल था, हमारा काम करने का अंदाज देखकर और ताबड़तोड़ इंसाफ देखकर ना वो लोग तो काफ़ी प्रभावित हो गए, इसलिए लाइव इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अब अभी निकलते हैं हम, संतू पुष्पा जी और चीते को भी हमारा इंटरव्यू आप दिखाइएगा। जय हिंद मैडम सर। जय। वक्त हो गया है करिश्मा जी से सीधे और तीखे सवाल पूछने का। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जानकीपुरम थाना के इंचार्ज जो बन गए। पूरे जानकीपुरम में आपके नाम और काम के चर्चे हो रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या यही नाम के कारण आप जो घटना हुई है उसे छुपाना चाहते हैं? नहीं, हम कुछ समझे नहीं। करिश्मा जी वो क्या है ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो पर हमारे चैनल से आप कभी भी कुछ भी छुपा नहीं पाओगे। हाँ तो करिश्मा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि करिश्मा जी के थाने के बाहर से उनकी ही बाइक चोरी हुई है। मैडम सर, कल रात ही करिश्मा जी ने कहा कि उनकी बाइक मरम्मत के लिए दी है। अगर हुई है तो क्या आप और आपकी पुलिस चोर को ढूंढ पाई है? देखिए ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो जनता को सुरक्षित कैसे रख सकती है? बोलिए करिश्मा जी, कुछ बोलिए ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.